hello and welcome students all my friends admirers and my subscribers and well wishers have a very nice evening to one and all so today as you have known that we completed the complete syllabus of the evolution as far as your syllabus is concerned so today we are gonna start with the this mcq session okay live mcq solving session so, let me take here the full screen of this, okay. Before of which, let me tell you that uh, uh, here you have to be a little bit interactive with me, okay. So, I will put one question in front of you and you need to answer this. You need to answer this. Is it clear? And after only we are able to communicate with you in a very healthy manner, okay. So whatever 15 most probable questions today, the next 16, 15, and next 15. So uh, it's a very crisp and brief uh, MCQ session. But these questions will cover entire, complete, and absolute syllabus of the evolution. Okay. So just start then. Okay. So here the first question is: the force that initiates the evolution is right. So who will tell me about this? can anybody tell me the force that initiates evolution initiates का मतलब क्या है start कौन करता है वो कौन सा मोटिवेशन है वो कौन सा मोटिव है या फिर वो कौन सा जो है रीजन है कि जिससे इवोल्यूशन का पहला स्टेप शुरू हो जाता है इवोल्यूशन मतलब ए सपोज पर्टिकुलर ए स्पीशीज है और ए स्पीशीज अगर कन्वर्ट हो रही है या पूरी तरह से चेंज हो रही है बी में ए और बी में कुछ यहां पर सिमिलैरिटीज नहीं है इज इट क्लियर तो फिर वो कौन सा फोर्स है जो कि इनिशिएट करा कराएल्यूशन को ये मानी एवोल्यूशन है ए स्पीशीज इन टू बी मतलब म्यूटेशन या एक्सटिंक्शन या एडेप्टन या वेरिएशन सो so, मैं बता दूं कि वेरिएशन इज द फर्स्ट वन क्योंकि वेरिएशन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वक्त और उसके बाद म्यूटेशन होगा वगैरह वगैरह एक्सटिंक्शन इज वन ऑफ द फैक्टर बट इनिशिएट करता नहीं वर्ड है इनिशिएट और इनिशिएट का मतलब क्या है स्टार्ट तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहले होना चाहिए और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कहां से दैट इज इजर सेक्शुअल रिपोर्डक्शन के वक्त वेरिएशन होता था वेरिएशन इज द करेक्ट आंसर म्यूटेशन इज द रॉन्ग एक्सटेंशन इज द रॉन्ग एंड एडेप्टेशन इज ऑल्सो रॉन्ग इज इट क्लियर सो टेक टू द सेकेंड वन नाउ डैश डैश इज द वेस्टिजियल ऑर्गन Bolo answer. Can anybody give me an answer, please? Here, whoever are alive, please give me an answer. Let me take a little bit change here. Uh, just uh, I would like to add the transition here, and then it will look beautiful if I pass the question like this. Okay, fine. Huh? so tell me then. So dash dash is the vestigial organ. intestinal villae papillae vermi form appendix और none of the above none of the above तो नहीं हो सकता क्योंकि तीनों में से एक है चलो मैं एक ही दे देता हूं none of the above नहीं है मतलब आपके पास अब आप तीन ऑप्शन बचते हैं ये तीन ऑप्शन में से जो है आपको एक क्या करना है चूज करना है इज इट क्लियर सो कैन एनीबडी टेल मी हियर द पैपिली ये तो हम यूज करते हैं भाई ऑलरेडी ये ये तो बहुत important है. है? है का मतलब क्या वो ऐसा ऑर्गन जो तो प्रेजेंट है वो, है, structurally तो present है. Structurally वो present है, लेकिन functionally absent है. उसका कोई भी फंक्शन वहां पर नहीं होता इज इट क्लियर उसे ऑर्गन कहा जाता है. और इसको हमने प्रेजेंटेशन में ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया हूं इसीलिए प्रेजेंटेशन में आया करो लाइव सेशन अटेंड किया करो डाउट्स क्लियर किया करो कॉन्सेप्ट्स क्लियर किया करो डाउट्स पूछा किया करो तो ये सारे स्टेप्स आते हैं भाई प्रिपरेशन के अंदर प्रिपरेशन मतलब ये एमसीक्यू से खेलना नहीं एमसीक्यू से खेलना ही है ये चार ऑप्शन में से एक आपका दोस्त है एक ऑप्शन और बाकी के तीन दुश्मन है अब इंटेस्टर्नल विला ये तो यूजफुल है इसलिए वेस्टिजियल नहीं है मतलब ये रॉन्ग है ये भी पैपिली रॉन्ग है ये वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स हमारे लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन की जंक्शन में मिलता है वहां पर प्रेजेंट तो है लेकिन इसका कोई फंक्शन नहीं है इसका फंक्शन था जब हम थे, जब हम कच्चा पाला और पाचोड़ा खाते थे ओके <laughs> okay, तो जब हम कच्चे जो है अनाज को खाते थे तब जाकर जो है उसके अंदर उससे प्लांट की सेल है सेल मतलब सेल वॉल है सेल वॉल मतलब उसके अंदर सेल्यूलोज है तो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम सेल्यूलेज ये कहां से सिक्रिट होता था वर्मी फॉर्म अपेंडिक से सीक्रिट होता था इज इट क्लियर तो इसीलिए तब वो एक्टिव था लेकिन बाद में से हमने व्हील का डिस्कवरी किया फायर का डिस्कवरी किया मतलब व्हील का डिस्कवरी से हम पेड़ से नीचे आ गए इधर से उधर जाने लगे ओके बंदरों की तरह हम इधर से उधर कूदते थे वो अब कूदना बंद हो गया और उसके बाद अब हम शुरू किया क्या शुरू किया हमने जो है फूड को सर्च करना शुरू किया और फिर फिर तो फायर का डिस्कवरी ये बहुत ही लाजवाब डिस्कवरी थी पूरी हिस्ट्री में ह्यूमन काइंड के क्योंकि उसके बाद जो है हमने फूड को स्कॉर्चिंग करना करना ओके फिर उसके बाद मेल्टिंग करना वगैरह 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 वो वो सारे केमिकल प्रोसीजर्स हम कर, किए करते रहे और सेलुलोज पेट में आने से पहले ही वो डिसरप्ट हो जाता था जो प्लांट सेलवॉल के अंदर का मतलब प्लांट खाते हैं ना उसके अंदर का सेलवॉल के अंदर का जो सेलुलोज है ना

परमियन तो ये पीरियड आता है बाद में का जुरासिक तो बाद में से है ओके okay, कॉटरनेरी तो ये अभी अभी का है भाई रिसेंट है रिसेंट से पहले वाले का तो कैम्ब्रियन इज द फर्स्ट वन और ये गिवन में से भी फर्स्ट है ये तो पहला वाला है ही पहला वाला है ही पीरियड ओके फर्स्ट पीरियड है लेकिन ये चारों में से तो बिल्कुल है ही इज इट क्लियर तो ये तीन जो है रॉन्ग आंसर है और ये जो कैम्ब्रियन है दिस इज दी अर्लीस्ट है अर्लीएस्ट इज इट क्लियर ये फर्स्ट जियोलॉजिकल टाइम पीरियड है उसके बाद आता है द एक्सपेरिमेंट दैट थ्रू थॉट टू बी प्रेजेंट ऑन अर्ली अर्थ देखो बताओ बताओ जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ ये जोड़िया पढ़ो जोड़िया पढ़ो क्या बताया है सैम्यूलेटेड किसने की ये बताया है साइम्यूलेटेड सैम्यूलेटेड का मतलब क्या है भाई हेलो साइम्यूलेटेड का मतलब क्या है नकल करना ये देखो ये सैम्यूलेटेड है ना यहां पर ये simulated. टेड किसने किया मतलब जो है हमको यहाँ पर बताना यह है कि ये जो साइम्यूलेटेड यहाँ पर बताया गया है अर्थ अर्ली अर्थ का सैम्यूलेशन किसने किया हर्शियन चेस नो 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 इन्होंने तो क्या किया डीएनए डी एन एज अ जेनेटिक मटेरियल के तीन एक्सपेरिमेंट्स हुए थे पहला वाला ग्रिफिथ का 1928 में फिर जो है 1944 में जो है मैकलियर मैककार ने किया और उसके बाद जो है ने वायरस बैक्टीरियो फेज का वायरस है डीएनए डिस्कवर किया मतलब डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल ये बताया डीएनए डिस्कवर नहीं किया डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल ये चीज उसने बताई इज इट क्लियर तो मेरे को बताओ यहां पर सेकेंड ऑप्शन क्या है सेकेंड ऑप्शन सही है क्या ग्रिगर मार्सडन नहीं है इन्होंने दूसरी डिस्कवरी की है इससे कोई रिलेशन नहीं है इसका तो चलो ये दो आंसर क्या हो जाते हैं फिर यहां पर रॉन्ग हो जाते हैं मिलर एंड यूरे ओ ये एक्सपेरिमेंट था बराबर ग्लास वाला एक्सपेरिमेंट ये था ओके शे, ये तो एक्सपेरिमेंट इसका तो कोई यहाँ पर नामो निशान नहीं है तो सही आंसर है यहाँ पर मिलर एंड यूरे का एक्सपेरिमेंट जो हमने प्रेजेंटेशन के अंदर पढ़ा है हमारे लेक्चर के अंदर पढ़ा है थर्ड फोर्थ लेक्चर होगा प्ले देखो इवोल्यूशन की प्ले को देखना यूट्यूब के जो है को वर्कआउट करना सीखो उसको जो है यूज करना सीखो कैसे करना है प्लेलिस्ट का ऑप्शन आता है मेरे नाम पर अगर आप वहां पर सेलेक्ट करोगे और फिर उसके बाद प्लेलिस्ट के अंदर इवोल्यूशन के अंदर जाओगे तो वहां लेक्चर आप अटेंड कर सकते हैं ओके एग्जांपल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन चलो बोलो जल्दी से जल्दी से बोलो जल्दी से होमोलोगस ऑर्गन का मतलब क्या है होमोलोगस ऑर्गन का मतलब क्या है होमो मतलब यहां पर सेम है सेम ओके सेम क्या है स्ट्रक्चर जब होमोवर्ड आता है सेम तब क्या करना है सेम क्या है स्ट्रक्चर और डिफरेंट क्या है फंक्शन मतलब अलग अलग ऑर्गेनिज्म के ऑर्गन्स है उनके स्ट्रक्चरली तो वो सेम है स्ट्रक्चरली वो कैसे है सेम है लेकिन फंक्शनली वो कैसे है डिफरेंट है इज इट क्लियर अब ह्यूमन बींग का आर्म और विंग ऑफ बर्ड विंग ऑफ इंसेक्ट और विंग ऑफ बर्ड ये देखो ये फंक्शनली ये सेम है इंसेक्ट का और बर्ड का जो विंग है वो स्ट्रक्चरली पूरा डिफरेंट है स्ट्रक्चरली डिफरेंट लेकिन हमको क्या देखना है स्ट्रक्चरली सेम और फंक्शनली डिफरेंट ये इनका स्ट्रक्चर सेम है स्ट्रक्चर डिफरेंट है लेकिन फंक्शन सेम है फंक्शन क्या है इनका दैट इज टू फ्लाई फ्लाइंग करना ये उनका क्या है फंक्शन है इज इट क्लियर मतलब ये इज द रॉन्ग आंसर क्योंकि इनका फंक्शन सेम है हमको स्ट्रक्चर सेम देखना है लेग ऑफ डॉग एंड लेग ऑफ स्पाइडर ऑब्वियसली स्ट्रक्चरली ये बिल्कुल डिफरेंट है नन ऑफ नो 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 पहले की तरफ देखो तो जरा पहले की तरफ जब देखोगे तब आपको ध्यान में आएगा कि द आर्म ऑफ ह्यूमन ह्यूमन का आर्म जो है हमारा जो हाथ है इज इट क्लियर और बर्ड की जो विंग है उसकी अंदरूनी जो बनावट है वो सेम है लेकिन फंक्शन डिफरेंट है हमारा आम जो है वो ग्रिप करने के लिए और जो है लिफ्ट करने के लिए और जो है लिखने के लिए और क्या क्या करने के लिए हम हाथ का कर इस्तेमाल करते लेकिन बर्ड्स के विंग्स फ्लाइंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं मतलब स्ट्रक्चरली ऑल दो इवन दे आर सिमिलर इन देयर इंटरनल पैटर्न एंड स्ट्रक्चर बट देशन आर डिफरेंट तो सही आंसर क्या है यहां पर होमोलोग करेक्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ आर रॉन्ग आंसर सो प्राइमॉर्डियल सूप के बारे में अब यहां पर बताना है आपको प्राइमॉर्डियल सूप सो प्राइमोरियल सूप जो है ये देखो ये हमारा जो समंदर है समंदर है सपोज ये एक समंदर है और समंदर के अंदर जो भी यहाँ पर प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स हॉट पूरे थे पूरा हॉट पानी था ये तो इसको जो है क्या कहा गया है दो तरह के नाम दिए गए हैं एक तो नाम दिया गया है प्राइमोरियल सूप और दूसरा नाम दिया गया है हॉट डायलूट सूप हेलो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है हेलो स्टूडेंट हॉट डाइल्यूट सूप जो बायोटिक एटमोस्फियर से पहले वाला जो समंदर था उसको दो नाम दिए गए हैं हॉट डाइल्यूट सूप और दूसरा नाम क्या दिया गया है प्राइमोरडियल सूप इज इट क्लियर तो अब मेरे को बताओ कि ये किसने बताया प्राइमोरडियल सूप देखो आपने ओपेर हैल्डेन का एक्सपेरिमेंट देखा है इज इट क्लियर तो ये जो हॉट डाइल्यूट सूप है ये किसने कहा हेल्डन ने कहा किसने कहा हेल्डेन ने और ये जो है प्राइमोडियल सूप ये किसने कहा ओपेरिन ने ओपेरिन और Halden का केमिकल इवोल्यूशन का लेक्चर आपको पता है नहीं पता है तो केमिकल इवोल्यूशन मेरे चैनल पे सर्च करो सर्च अक्रॉस माय चैनल एंड जस्ट अटेंड दिस लेक्चर आफ्टर दिस लेक्चर प्लीज ओके सो हॉट डायलिट सूप जो है ये कहा हालडेन ने ओके okay? और प्राइमोडियल सूप समंदर को नाम दिया गया ये सूप है समंदर क्या है सूप है सबसे पहला वाला सूप प्राइमोरियल सूप ये ओपेरिन ने कहा दिख रहा है, पर नहीं है आप इसका आंसर सही ढूंढ सकते हैं ओके उसके बाद आगे विच कंडीशन कैन बी एक्सप्लेन बाय लैमार्किज्म लैमार्किज्म ने कौन सी कंडीशन एक्सप्लेन की देखो जिराफ को लॉन्ग नेक है ये भी कंडीशन उसने की ओके ह्यूमंस लॉस्ट देयर टेल ये भी की ह्यूमंस बिकम बाइपेडल देखो यूज़ एंड डिसयूज का जो है उसने क्या किया है? थेरी किया है ये तीनों भी उसने किए थे तीनों भी यूज एंड डिसयूज मतलब क्या है जिसका यूज़ होगा वो बढ़ेंगे और जिसका डिसयूज़ होगा वो क्या होंगे नामशेष होंगे वो इस दुनिया से चले जाएंगे वो डिसयूज मतलब वो ऑर्गन का कोई नामो निशान यहाँ पर नहीं रहेगा तो थेरी को क्या कहा गया है यूज एंड अब देखो जिराफ को लॉन्ग नेक मिला मतलब नेक का इस्तेमाल वो करते थे इसीलिए उनका लॉन्ग हुआ यूज था इज इट क्लियर ह्यूमन देयर टेल टेल इस्तेमाल नहीं करते थे इसलिए वो लॉस्ट हो गई मतलब डिसयूज हुआ ह्यूमन बिकम बाइपेडल पहले चार पैरों पर थे लेकिन फिर खड़े हो गए होमो इरेक्टस है होमो है होमोहबिलस है क्रोमैग्नन है ये सारे इरेक्ट थे दो पैरों पर खड़े होकर चलते थे फिर उनके जो हाथ और पैरों पर जो चलते थे ना हाथ ऊपर हो गए इस तरह से लैपटॉप गिरेगा ओके सो हाउ ह्यूमन्स बिकम बाइपेडल ये बताया उसने ह्यूमंस लॉस्ट टेल कैसे की वो बताया जिराफ की लॉन्ग ने कैसे वो ये बताया तो ये तीनों पे बताया मतलब आंसर सही क्या है ऑल ऑफ दी अबो इज द करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दी अबो तीनों भी चीजें उसने बताई है तीनों भी चीजें बताई है इज इट क्लियर यहां पर जो लोग है प्लीज आंसर दे दो भाई आंसर दे दो भाई क्यों सता रहे हो ऑब्जर्वेशन ऑफ ए स्पीशीज ऑन डैश डैश हैवीली इंस्पायर्ड डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन देखो किसके ऊपर उसने वो स्पीशीज को देखा ये बता रहा है यहाँ पर कौन सा आइलैंड था फेरो आइलैंड ये सुना नहीं भाई ये ग्रैंडे वो नो 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 गौटे माला ये हमारे पीछे वाला माड़ा लगता है <laughs> किसी गली के नाम वगैरह हमारे इंडिया में लेकिन ये गैलापोगास इसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया था इस आइलैंड पे उसने डार्विन फिंचेस को देखा फिंच बर्ड को देखा अलग अलग बीक साइज वाले जो है अकॉर्डिंग टू देर हैबिटेट अकॉर्डिंग टू देर फीडिंग हैबिट तो ये जो है आइलैंड के ऊपर वो मिलते थे तो दिस इज द करेक्ट एप करेक्ट इज इट क्लियर एनर्स आर रॉन्ग ओके सो नाइंथ वन नाइन्थ वन डैश डैश वॉज कंसिडर्ड एज मिसिंग लिंक बिटवीन बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स एनी बडी कैन एनी बडी टेल मी मिसिंग लिंक हेलो आंसर प्लीज यस 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 सुनील जगताप

टेरेडॉन और ये एवी माइनस एवमस ये एव्स और मैमल्स के बीच में ये कॉडियोप्टेरिक्स ये जो है तो, प्रोटोथेरिया यूथेरिया के बीच के टेरेडॉन uh, जो है ये एम्फीबियंस और के बीच में लेकिन रेप्टिलिया और एव्स मतलब रेप्टिलिया और बर्ड्स के बीच में क्या है सिर्फ आंसर सही क्या है आरक्यूपटेरिक्स इज द करेक्ट आंसर इज इट क्लियर ओके सो इसके बाद टेंथ क्वेश्चन द ओल्डेस्ट मिनरल डिस्कवर्ड सो फार डैश डैश हेलो कोई पर बताएंगा जिंदा लोग जो भी प्रेजेंट है ओल्डेस्ट मिनरल डिस्कवर्ड सो फार वॉज आयरन नहीं चार पॉइंट चार बिलियन बाबा इसका डेट बताया गया है ओल्डेस्ट वन ओके विद इन फ्रैक्शन ऑफ साइम कैडमियम नहीं सिलिकॉन नहीं इसका जो है ये थ्री no, मिलियन पहले टू मिलियन पहले ये मिले लेकिन 4.4 पॉइंट पहला

मतलब दे कैन रेगुलेट दे कैन मेंटेन देयर मेंॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट इन रिस्पेक्टिव एंड रिगार्डलेस ऑफ द चेंजेस इन द एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर एंड एनवायरमेंट ओके मतलब क्या कि हमारे अंदर अगर यहां पर सपोज बाहर 40 डिग्री सेल्सियस से, है लेकिन हमारे बॉडी के अंदर क्या रहता है थर्टी सेवन बाहर ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस है ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस है हमारे बॉडी के अंदर कितना टेम्परेचर रहता है थर्टी सेवन इसी को तो कहते हैं होमोथर्मिक मतलब हमारा बॉडी का टेम्परेचर सेम रखना सेम रखना अंदर जो है वो सेम रखना इसको इसको क्या कहा गया है होमो होमो होमियोथर्मिक इज इट क्लियर सो इज द करेक्ट आंसर ओके सो लास्ट कॉमन एंसेस्टर ऑफ ह्यूमन होमो तो है लेकिन उसके बाद क्रोमैग्नन भी आया लेमुरडिया ये सबसे पहला है भाई ये ये भी पहले वाले में आता है लेकिन ये जो है पैम ट्रोग्लोडाइट्स ओके दिस इज द लास्ट कॉमन एंसेस्टर इसके बाद फौरन मॉडर्न ह्यूमन बींग्स आए द लास्ट कॉमन एंसेस्टर ओके हमारी तरह दिखने वाले जस्ट गूगल इट आउट ओके नेक्स्ट द थर्टीन वन द एग्जाम्पल ऑफ कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या बताएंगे कोई यहां पर हेलो एनी बडी मी कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन का मतलब क्या है देखो कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन मतलब एनॉल ऑर्गन ए सी ध्यान में रखना है एनॉल ऑर्गन ये कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन करते हैं एच डी देखते ना आप एलो एच वीडियो देखते ना आप होमोलोगस ये क्या करते हैं ये कौन से ऑर्गन ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन करते हैं होमोलोगस ऑर्गन डायवर्जेंट इवोल्यूशन और एनॉलोगन क्या करते हैं कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन इज इट क्लियर तो विंग ऑफ हॉक मॉथ्स और विंग ऑफ हॉक्स दोनों के फंक्शन सेम है लेकिन स्ट्रक्चर इनके क्या है डिफरेंट है टीथ ऑफ डोमेस्टिक डॉग एंड टीथ ऑफ उल्फ नो 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 इट इज रॉन्ग क्योंकि इनका फंक्शन सेम है लेकिन स्ट्रक्चर भी यहां पर सेम है विंग्स ऑफ जोस पिजा मैग्नी रोस्ट्रीस एंड विंग्स ऑफ जोस पिजा फॉरट्रिस दोनों के विंग्स का स्ट्रक्चर फंक्शन सेम है नॉन ऑफ दी द नहीं हो सकता क्योंकि यहां पर इनका स्ट्रक्चर सेम फंक्शन सेम है हॉक मॉथ और हॉक्स दो अलग अलग चीजें हॉक मतलब ससाना और हॉक मॉथ ये बटरफ्लाई की तरह दिखने वाला है ओके मतलब इनके इनका जो है फंक्शन सेम है लेकिन स्ट्रक्चर जो है विंग्स का पूरी तरह से डिफरेंट है देखो ये ऊंचा उड़ने वाला उसका विंग्स अलग है स्ट्रक्चर हॉक मॉथ का अलग है मतलब एनालॉगस मतलब क्या है हेलो एनालॉगस मतलब क्या है सेम स्ट्रक्चर मतलब सॉरी सेम फंक्शन एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर इज इट क्लियर तो यहां पर क्या है इन दोनों के बीच में होमोलोगस का क्या है सेम स्ट्रक्चर होते हैं लेकिन डिफरेंट फंक्शन मतलब आपको जाना क्या देखो कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करना है पहले तो आपको पता हो कि कॉन्वर्जेंट एन, ये एनालॉगस ऑर्गन होते हैं कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन करने वाले और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन करने वाले क्या होते हैं होमोलोगस ये आपको पहले पता होना चाहिए ओके नाउ सेकंड लास्ट ऑफ टूडे ओरिजिन ऑफ स्पीशीज ओ हो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज आने के साथ जैसे क्रिकेट को देखने के बाद सचिन तेंदुलकर याद आता है आपको या फिर विराट कोहली याद आता है चेस को देखने के बाद विश्वनाथन आनंद याद आता है बॉलीवुड को देखने के बाद शाहरुख खान अमिताभ बच्चन सलमान खान बाकी 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 कौन से होंगे आप वो ध्यान में आती है उस तरह से ओरिजिन ऑफ स्पीशीज जब आपको सामने पूछा जाएगा तो चार्ल्स डार्विन का चेहरा आपको दिखना चाहिए तो ये छोड़ो बाकी के पढ़ो भी मत चार्ल्स डार्विन जब आएगा तो ओरिजिनल स्पीशीज तो एक ही बंदे ने लिखी है और उस बाबा का नाम है महाराजा का नाम है चार्ल्स डार्विन इज द फादर ऑफ एवोल्यूशन ओके एंड नाउ डायनासोरस डाई ऑफ पैंसठ आंकड़ा ध्यान में रखो सिक्सटी फाइव पॉइंट फाइव ये नहीं है ऑफ कहा गया है ये तो ओरिजिनेट हुए यहाँ पर ये तो बिल्कुल नहीं है नन ऑफ दबो तो नहीं है क्योंकि ये सही आंसर है दैट इज सिक्सटी फाइव पॉइंट फाइव मिलियन ईयर्स एगो कब डाई हुए कब ओरिजिनेट हुए नहीं बताना है मतलब क्रिटेशियस पीरियड का जो है लास्ट वाला अगर देखेंगे 65.5 मिलियन इयर्स एगो इसका जियोलॉजिकल टाइम स्केल का डिसेक्शन का वीडियो जो है मैंने चैनल पे अपलोड किया है प्लीज मेरे चैनल को सर्च करके जो है उस वीडियो को देखो लाइक करो शेयर करो और अपने चैनल को सब्सक्राइब करो इफ यू आर न्यू न्यू एट माई चैनल अगर सब्सक्राइब किया तो प्लीज प्लीज प्लीज, प्लीज इन वीडियोज को शेयर करो और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को कल और बुलाओ दिस ये पूरा सिलेबस पहले से लेकर आखिरी चैप्टर तक रिपीटेशन होता है इस पंद्रह क्वेश्चन में तो कल इसी तरह से हम ले लेंगे और फिर परसों भी इसी तरह से ले लेंगे तब जाकर जो है आपको मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस आपको इसके अंदर सीखने मिलेंगे और फिर जो है कंसेप्चुअल भी आपकी क्लैरिटी होंगी अगर आपको कोई क्वेश्चंस आपके छूट गए होंगे तो ओके okay, तो मिलते हैं कल इसी वक्त 6:00 बजे 6:00 से 6:30 या 6:40 तक अपना लेक्चर रहेगा तब तक के लिए मैं आपसे विदाई लेता हूं हैव अ वेरी गुड नाइट शब बखर शुभ रात्रि And all the best for your bright and successful career and future students, friends, and all my well wishers and subscribers. Bye bye.